चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहा है ये सुनते हैं। एक दूसरे की डिग्रियों को मान्यता देने को लेकर भी दोनों देश आगे बढ़े हैं और इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होगा। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है, इससे हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया आना और यहां काम करना आसान होगा। और साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो एक घोषणा भी करने जा रहा हूं। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी अब उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया काउंसुलेट खोला जाएगा। फ्रेंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया की गहरी होती पार्टनरशिप मां भारती में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करेगी। आपके पास टैलेंट है, अपनी स्किल की ताकत है और साथ ही अपने कल्चरल वैल्यूज भी है। ये वैल्यूज आपको ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ घुल मिलकर रहने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं कल ही पापुआ न्यू गिनी से आया हूं। वहां मैंने स्थानीय भाषा में तमिल साहित्य तिरुकुरल के अनुवाद का लोकार्पण किया। ये अनुवाद वहां भारतीय मूल के एक स्थानीय गवर्नर ने किया है। एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे हम विदेश में रहते हुए भी अपनी जड़ों पर गर्व करते रहें, जड़ों से जुड़े रहें। आप भी यहां ऑस्ट्रेलिया में भारतीय संस्कृति की खुशबू फैला रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में भारत के कल्चरल एम्बेसडर हैं, भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। साथियों, मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। देंगे? आवाज जरा धीमी हो गई। देंगे? पक्का? प्रॉमिस? मैं आपसे ये मांग रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब भी भारत आए, अपने साथ कोई न कोई ऑस्ट्रेलियाई मित्र और उनके परिवार को भी साथ लेकर के आए। इससे उन्हें भारत को समझने का, जानने का और ज्यादा बेहतर मौका मिलेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, लंबे अरसे के बाद आपको मिलने का मौका मिला। आप सब बहुत स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंद से रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।